तो घोर आश्चर्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल में कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के सभी विद्यालय 10 से 4 चलेंगे। पुनः उन्होंने रिपीट किया अगले दिन कि जब कह दिया कि 10 से 4 चलेंगे तो 10 से 4 चलेंगे। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का पत्र नहीं निकालना बिल्कुल गलत है। और बैग तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे अंचलों में राज्य के अभी तक छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सका है। वर्ग मशीनरी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है कि जो टॉप लीडरशिप है उसकी बात को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ का आक्रोश लगातार आमने सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि शिक्षक संघ के कई ऐसी मांगे थे जिन्हें बिहार सरकार के द्वारा तो मान ली गई है, लेकिन बावजूद इसके फिर एक के बाद एक नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो चुका है, वो विवाद है समय सारणी को लेकर के। बता दें कि पिछले दो दिन पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूल के समय सारणी में परिवर्तन का आदेश दिया गया था। बावजूद आज 3 दिन बीत जाने के बाद आज तक उस समय सारणी को लेकर के कोई किसी भी तरह का निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता हैं मनोज जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है? देखिए, जो विद्यालय के समय अवधि की बात है तो घोर आश्चर्य है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल में कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के सभी विद्यालय 10 से 4 चलेंगे। पुनः उन्होंने रिपीट किया अगले दिन कि जब कह दिया कि 10 से 4 चलेंगे तो 10 से 4 चलेंगे। इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह का पत्र नहीं निकालना बिल्कुल गलत है। अब इधर देख रहे हैं, नए एसीएस साहब आए, इन्होंने भी वही स्थिति कर दिया कि 9 से 3.25, फिर मिशन दक्ष, तब तो फलना चिलना, ये सब करके जो माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा है उसको लागू नहीं करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए। और इस बार पुनः सत्र में जब बिहार विधानसभा के सदस्यों ने उठाया इस मामले को, विधान परिषद में भी उठा था, तो वहाँ भी माननीय शिक्षा मंत्री ने 48 घंटे का समय लिया था, परंतु 48 घंटा बीते हुए बहुत समय हो गए, अभी तक आदेश निर्गत नहीं हो सका है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि मशीनरी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है कि जो टॉप लीडरशिप है उसकी बात को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसी तरह से हम लोग जाकर माननीय शिक्षा मंत्री को एक दिन कहे थे कि आप जो ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति बनवा रहे हैं, आपने कोई व्यवस्था शिक्षकों का नहीं दिया है, अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है, फिर भी बहुत जगह वेतन वगैरह रोकने की बात चल रही है। तो आप सबसे पहले संगठन का मांग है, हम आपको जिस माध्यम से आप उपस्थिति बनवाना है बनवाइए, हमारे शिक्षक तो विद्यालय में रहते हैं, आप किसी भी तरह से बनवाइएगा, इसमें हमारे शिक्षकों को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन उसके लिए आप पहले व्यवस्था बनाइए, तब किसी चीज़ को लागू करिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अभी भी राज्य के बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर एक बैग वगैरह का मामला उठा था, तो बैग किसी क्लास को मिला, किसी क्लास को नहीं मिला। और बैग तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे अंचलों में राज्य के अभी तक छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सका है। वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं को, ये जो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के एक दो ब्लॉक में अभी तक पाठ्य पुस्तक नहीं उपलब्ध कराया जा सका है। घोषणा हुई सरकार द्वारा, पत्र भी निकला कि 1 तारीख को हम पेमेंट देंगे, इधर एक पत्र निकला कि जो नहीं देंगे 1 सप्ताह के अंदर तो दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने की बात कही गई सरकार के द्वारा। परंतु देखिए, अभी भी राज्य के कई जिलों से सूचना आ रही है कि अभी तक जुलाई पूरा पार होने वाला है, लेकिन अभी तक जून माह का वेतन नहीं मिल सका है शिक्षकों को। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यदि
शिक्षक प्रतिनिधि या कोई शिक्षक किस तरह के बातों को उठाता है, पदाधिकारियों के पास लाता है या राजनेताओं के पास लाता है या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने सरकार के समक्ष इस बात को लाने का काम करता है, तो उल्टे उस काम को ना करके शिक्षक प्रतिनिधियों को डराने धमकाने कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जो भारत के संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार है, भारत के हर एक नागरिक को यह मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, कि हमें कष्ट होगा तो हमारी पीड़ा जरूर निकलेगी। तो आम शिक्षक तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन जो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं वो निश्चित तौर पर शिक्षकों के पीड़ा की अभिव्यक्ति उनके मुखारबिंद से होगी, और उन पर इस तरह का कार्रवाई करना ये किसी भी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और विशेष तौर पर हम लोग ये देखते हैं बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये आंदोलन के उपज हैं, 74 के आंदोलन के उपज हैं। हम लोगों के भी घर परिवार, हमारे पिताजी खुद उस आंदोलन में रहे हैं, है ना, वो भी मीसा में रहे हैं, और वैसे लोगों को रहते और इस तरह की बात इस राज्य में हो रही है, ये बिल्कुल किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने किया है विद्यालय के समय अवधि के बारे में या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी वेतन देने के मामले में, माननीय शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि हम शिक्षकों की सभी समस्याओं को दूर करेंगे, आप केवल शिक्षकों को प्रेरित करिए आप लोग कि शिक्षक पढ़ाएँ, तो निश्चित तौर पर हमारे शिक्षक तो पढ़ाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये नहीं लगता है कि जी पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह शिक्षक संघ के द्वारा आंदोलन देखने को मिला था, उस आंदोलन को रोकने के लिए इस तरह का आश्वासन दिया गया हो? देखिए, ये तो हर एक सरकार करती है, और यदि ऐसा भी की है तो इसको हम लोग तो मानते हैं कि एक काम कार्य के शैली में है, लेकिन आंदोलन तो आप रोकवा लिए, कुछ समस्या का हल कर दीजिए ताकि शिक्षा का उत्थान हो। चूँकि बिहार जैसे गरीब राज्य में जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, शिक्षकों का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है कि शिक्षक मन लगा के पढ़ें, और वो काम वो तब करेंगे जब वो मानसिक रूप से शांत रहेंगे, जब उनको दुख दर्द कम रहेगा। आप बताइए कि मनमानी पोस्टिंग का आज तक जैसे बन रहा है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, इन्होंने कब कहा, नियमावली भी लाया कि हम नियोजित शिक्षकों को उनके ऐच्छिक स्थान पर जो है सो कर रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं, वो पोर्टल नहीं बना, नियमावली बदल गया, सक्षमता परीक्षा हो गई, विशिष्ट शिक्षक लोग हो गए, लेकिन आज तक पॉलिसी बनाने के लिए कमेटी भी बनी लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो ये सब काम होना चाहिए ताकि शिक्षक और शिक्षिकाएं शांत दिमाग से पठन पाठन के कार्य में लगें, इसके लिए शिक्षा विभाग को संतुलित करना आवश्यक है। और यह बहुत महान शिक्षाविद थे स्वर्गीय मदन मोहन झा, उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति यहाँ लागू करवाया था, यही माननीय मुख्यमंत्री के काल में वो हुआ था 2006-7-8 के दौरान। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए और सरकार जो है शिक्षकों के समस्याओं को दूर करने का काम करे, विद्यालय का जो अवधि है अधिक समय बच्चे के लिए समय से ज़्यादा है कि वो मन लगा के पढ़ें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ना कि केवल 8 घंटा और 10 घंटा बच्चों को छेके रहने से वो बच्चे पढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था समय सारणी को, क्या लगता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना कर रहे हैं, और उस समय एक प्रेस रिलीज भी डिपार्टमेंट के द्वारा निकला था, और उन्होंने रिफरेंस लिया था राष्ट्रीय शिक्षा ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का, कि इसमें 7.5 घंटा है, 8 घंटा है। तो ये सब गलत अफसर लोग ये कर रहे हैं। सीधी बात है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसमें 800 घंटे पढ़ने हैं 1-5 के बच्चे को साल में, 1000 घंटे पढ़ने हैं 6-8 के बच्चे को, उसके अनुरूप सरकार घंटी और घंटा जो तय करना है तय करे। सप्ताह में 45 घंटा है तो 45 घंटा में तैयारी का घंटा है,
पहले भी ये होता था कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाते थे और चूंकि आवासीय व्यवस्था वहाँ नहीं है बिहार के विद्यालयों में, इसलिए उनका तैयारी का जो समय होता था वो था कि वो अपने घर में कर लेंगे, वो अपने आवास पर तैयारी करके आएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन ये स्कूल में रख के तैयारी भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको किसी शिक्षाविद को बैठा के और ये तय करना चाहिए कि आखिर में 45 घंटा में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितना देर शिक्षक पढ़ाएंगे और उसकी तैयारी में कितना देर लेगा, ये तो कोई शिक्षाविद तय करेगा। किसी क्या माना जाए सर कि सरकार लगातार शिक्षक संघ को, शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन दे रही है? देखिए, आश्वासन दे रही है और सही में जमीनी स्तर पर जाकर जो पदाधिकारी हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, और इसी के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जिससे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध है, जिसमें कि पूरे देश के सभी टीचर जुड़े हुए हैं, तो उसका मांग रहा है कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय स्तर पर सभी सेवा होता है, उसी तरह से शिक्षा सेवा का भी एक अलग से कैडर होना चाहिए, और वही कैडर जो है उसी के पदाधिकारी जिला स्तर पर और प्रमंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर रहें, ताकि उनको शिक्षा के बारे में जानकारी हो। और ये जो अभी के पदाधिकारी होते हैं ये विभिन्न विभागों में जाते हैं, और इसमें है कि जो पुरानी कहावत है कि ये कहीं साधे सब जाते, तो सब साधने वाले हैं, तो सब साधने वाले में सब चला जाता है ना, इसलिए ये उचित नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, तो वो कहे थे कि विधानमंडल के सत्र के बाद आइएगा, तो हम लोग जाएंगे और देखते हैं, यदि सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे, जो लोकतंत्र का तरीका है, जो लोकतांत्रिक ढंग है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ डेमोक्रेटिक वे से आगे नहीं जाता है। तो जैसा कि आपने सुना, ये शिक्षक संघ के नेता हैं, इन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है, सरकार जिस तरह की नीति लागू करना चाहती है वो शिक्षक संघ कभी भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो शिक्षा नीति पहले की बनी हुई है उस शिक्षा नीति को ही रखना होगा, और जिस तरह से नए नए आश्वासन दिए जा रहे हैं उस आश्वासन पर अब शिक्षक संघ को भरोसा नहीं है, अब इन्हें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर इनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो शिक्षक संघ अब एक बार फिर से आंदोलन करने की मूड में है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।